नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों आज आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ मैं टॉपिक काजू के बारे में। आज हम कुछ बातें करेंगे काजू के बारे में, जिसमें उसके बारे में बताया जाएगा लाभ, हानि और नुकसान। तो मैं शुरू करता हूँ अपनी वीडियो को, लेकिन इससे पहले प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो बाबा भरत पांडे बाबा को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं शुरू करने जा रहा हूँ अपने टॉपिक को। तो आज मैं बात कर रहा था काजू के बारे में। शरीर में भरपूर मात्रा में अगर आप चाहते हो कि मैं सुबह से लेकर शाम तक फिट रहूं, एनर्जेटिक रहूं, तो प्लीज़ आप काजू का सेवन जरूर करिए। इसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में होती है। और दूसरी बात, ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाएगा और आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़िया करेगा। इसलिए काजू का सेवन हमेशा करते रहिएगा। क्यों? क्योंकि इसमें होता है आयरन और प्रोटीन जो आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को फिट रखता है। अब एक बात और मैं आपको बताने जाऊँगा, ये आपकी त्वचा के लिए बहुत बेहतरीन रहता है क्योंकि इसमें आयरन होता है। इसके नित्य सेवन से आपके चेहरे में चमक आएगी, आपके चेहरे में आएगा ग्लो। और एक चीज़ और, जिसको बालों की शिकायत है, जिसके बाल झड़ते हैं, बाल कमज़ोर हैं, जिसके बालों में चमक नहीं है, उनके लिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, प्लीज़ आप काजू का सेवन करके देखिए। क्योंकि इसमें होता है कॉपर जो आपके बालों को घना, मजबूत, चमकदार करेगा। और हड्डियों के लिए बहुत बेहतरीन रहता है। जिसको हड्डियों की शिकायत है, हड्डियाँ कमज़ोर हैं जिन लोगों की, प्लीज़ उसका सेवन ज़रूर करिए। क्यों? क्योंकि इसमें मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होता है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। और एक चीज़ मैं बताने जाऊँगा, जिन लोगों के बॉडी में कहीं सफ़ेद दाग वगैरह होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जिन लोगों के शरीर में सफ़ेद दाग होते हैं उनके लिए काजू का तेल, जो इसका काजू का तेल होता है, वो बेहद अच्छा होता है। अगर आप काजू के तेल को उस दाग में लगाएंगे तो उसमें आपके जो सफ़ेद दाग है वो ठीक होता है। इसलिए प्लीज़ काजू के तेल का सेवन वो लोग जरूर करिए जिनके उसमें दाग वगैरह जो होते हैं, सफ़ेद दाग होते हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन रहता है। नियंत्रित सेवन इसका करने से आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म फिट एंड फाइन रहेगा। इसीलिए दोस्तों प्लीज़ काजू का सेवन करिए। ये कोई इतना महंगा भी नहीं है कि इसको कोई आदमी खा नहीं सकता। और जिम जाने वालों के लिए मैं स्पेशली बताने जाऊँगा, जो जिम जाते हैं वो काजू का सेवन करने से उनका फैट बढ़ेगा। और कई लोग ये कहते हैं कि हम कमज़ोर हैं, हमारा वेट नहीं बढ़ रहा। अरे काजू खा के देखिए भाई साहब, वेट बढ़ना ही बढ़ना है, कन्फर्म है। अब मैं इसमें कुछ तत्व बताने जाऊँगा। काजू में विटामिन ई, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, खनिज, सेलेनियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और इसके कुछ नुकसान हैं जो मैंने आपसे पहले बोला था कि इसके कुछ नुकसान के बारे में हम बताएंगे। जिनको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है वो काजू के सेवन से बचें। क्यों? क्योंकि इसमें सोडियम होता है, ज़्यादा सेवन इसका ना करें। और अधिक वजन वाले जो पहले से ही फैटी हैं, बहुत ज़्यादा वेट है जिनका, वो ज़्यादा अगर काजू का सेवन करेंगे तो और ज़्यादा वेटेड हो सकते हैं। तीसरी बात, यही बहुत मेन बात है, सिर दर्द, माइग्रेन की जिनको शिकायत है, वो भी इसके सेवन से बचें क्योंकि इसमें अमीनो एसिड होता है। डायबिटीज़, थायराइड, अर्थराइटिस, ये लोग अगर इसको खाते हैं तो एक बार प्लीज़ अपने डॉक्टर के सलाह लेके खाएं। बिना डॉक्टर के सलाह के इसको कभी नहीं खाएं क्योंकि इसमें मैग्नीशियम होता है। अब इसके कुछ खाने के तरीके, इसके कुछ ऐसा कोई टफ तरीका नहीं है खाने का, नॉर्मल सा है। कुछ लोग इसको दूध में भिगो के खाते हैं, कुछ लोग इसको भून कर खाते हैं, कुछ लोग इसको भिगो कर खाते हैं। और इसकी ग्रेवी सब्जी में लोग इसको ग्रेवी के तौर पर भी यूज़ करके खाया जाता है। इसीलिए आप लोग प्लीज़ काजू का सेवन करिए, ये आपके सेहत के लिए अच्छा रहेगा और बहुत अच्छी चीज़ है। इसी के साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ भरत पांडे को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।